कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कब होगा? कन्फ्लिक्ट हैपन व्हेन टू और मोर पीपल डिसएग्री एंड वन ऑफ देम डिसाइड टू मेक एन इशू ऑफ इट। देखो कोई भी बात है, कोई भी डिस्कशन हो रहा है, वहाँ दो लोगों की राय एक जैसी होनी ज़रूरी तो नहीं है, उनकी राय अलग अलग हो सकती है। बट अगर एक आदमी उसका इशू बनाना चाहे, उस पर झगड़ा करना चाहे, तो ये होगा कन्फ्लिक्ट। मतलब अगर राय अलग अलग है और उसमें बात ख़त्म हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कोई एक उसका इशू बना ले तो दिक्कत है, ये होगा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन देयर इज़ ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स, मतलब एक दूसरे से सहमत नहीं है, और ग्रुप्स ड्यू टू डिफरिंग इंटरेस्ट बिलीफ वैल्यू और गोल्स। दो पार्टी अपोजिट काम कर रही हैं, मतलब एक को जो चीज़ पसंद है दूसरे को एकदम नापसंद है, और उस पर हो गया झगड़ा, तो ये होगा कन्फ्लिक्ट। फॉलेट ने डिफाइन किया कन्फ्लिक्ट को, कन्फ्लिक्ट इज़ द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सबका ओपिनियन अलग है किसी भी मैटर को लेके, और वो एक दूसरे से सहमत करने के मूड में नहीं है। मतलब दो, ये दो जो ग्रुप हैं या दो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अदर पोल हैं, अपोजिट पोल हैं किसी भी मैटर को लेके, तो वो कन्फ्लिक्ट वहाँ होगा ही होगा। कन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड, कन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिसएग्रीमेंट है दो ग्रुप्स के बीच में। कन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज अपोजिशन और डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन ग्रुप और आइडिया। जो एक कैली ने कहा, कन्फ्लिक्ट एक ऐसा है कि अपोजिशन है, डिस्प्यूट हो रहा है पर्सन से ग्रुप्स के बीच में, मतलब वहाँ तो झगड़ा ही झगड़ा है बस। गिलन और गिलन ने डिफाइन किया था कन्फ्लिक्ट को, कन्फ्लिक्ट इज़ द सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग द एनिमी बाय वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस। मतलब देखो अपोजिट है तो कोई बात नहीं है, मतलब दो ग्रुप अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं, बट वो अपने आप को सही बताने के लिए दूसरों को इतना गलत कर सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो होगा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या वजह कन्फ्लिक्ट के? पहली बात तो कम्युनिकेशन इशू है कि आप अच्छे से बात समझा नहीं पाए दूसरे वाले को, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या क्लैरिटी की लैक ऑफ क्लैरिटी है, वो क्लियर कट समझ नहीं पाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो या क्या आपके व्यू हैं, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से तो कन्फ्लिक्ट इस वजह से हो सकता है। मतलब कम्युनिकेशन अगर अच्छे से हो तो कोई दिक्कत शायद ना हो, बात इतनी बड़ी ना हो। नेक्स्ट है गोल का डिफरेंसेस हो सकता है। कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, मतलब एक कोई एक काम को करना चाहते हैं और दूसरा को कह रहा है कि ये काम तो होना ही नहीं देंगे, तो दोनों के गोल एकदम अपोजिट हैं तो कन्फ्लिक्ट होगा। मतलब कोई कहेगा यहाँ रोड बनेगा, कोई दूसरा कहेगा यहाँ रोड बनाने ही नहीं देंगे हम, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। डिफरेंसेस इन वैल्यूज एंड बिलीफ क्लैश ड्यू टू डिफरेंट कल्चरल है रिलीजियस और पर्सनल वैल्यूज, अलग अलग हैं सबके कल्चर अपने अलग अलग हैं, दो ग्रुप हैं जिनके कल्चर अपने अलग हैं, वैल्यूज़ अपने अलग हैं, और वो एक दूसरे के कंट्रास्टिंग हैं, तो वो सब हर कोई अपने कल्चर को ही सही मानेगा, दूसरे को गलत ही मानेगा, अगर उसमें वायलेंस हो गई तो हो गया कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है रिसोर्स स्कार्सिटी, मतलब रिसोर्सेज कम है, तो कम है तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि टाइम मनी मटेरियल, तो ये भी कन्फ्लिक्ट का एक वजह हो सकती है। पावर डायनेमिक्स स्ट्रगल फॉर पावर कंट्रोल, कन्फ्लिक्ट इसलिए हो सकता है कि मुझे पावर ज़्यादा मिले, हम मेरा जो इन्फ्लुएंस हो ज़्यादा रहे पब्लिक के ऊपर, अनक्लियर जॉब रोल्स या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम ढंग से डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए हों, किसी को ज़्यादा कर दी हों और वो फिर उसे करने में परेशान हो जाए, कन्फ्यूजन हो जाए, तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कन्फ्लिक्ट के बहुत सारे रीज़न हैं। अब है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट कैसे हो सकते हैं। अप्रोच कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ए डिसीजन इज टू मेड फ्रॉम टू अपीलिंग चॉइस, दो चॉइस हैं, द चॉइस आर बोथ पॉजिटिव एंड इक्वल इन द आई ऑफ डिसीजन मेकर। मतलब अप्रोच जो कन्फ्लिक्ट है, मतलब ये है कि दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, उसमें से एक चूज करना मुश्किल काम हो गया। दिस टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट अकर व्हेन यू मस्ट चूज बिटवीन द टू डिजायरेबल आउटकम। मतलब दो चॉइस हैं, दोनों ही आपको इक्वली पसंद हैं, आपको बस उसमें से एक चूज करना है, तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट की टाइप है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस सबॉर्डिनेट कन्फ्लिक्ट। इट अकर्स व्हेन यू मस्ट चूज बिटवीन टू अनअट्रैक्टिव आउटकम्स। मतलब दो चॉइस इसमें भी हैं पर आपको दोनों ही चॉइस पसंद नहीं है। चॉइस बिटवीन टू थिंग्स यू डोंट लाइक इफ फोर्स चूज। अगर हमें फोर्स किया जाए तो क्विकली चूज करो, और मतलब अब उसमें क्या ही करोगे आर्बिट्ररी, मतलब खुद का एक जो अच्छा लगे वो चूज कर लो,
मतलब दो चीज़ें हैं ना, आपको दोनों ही पसंद नहीं है, तो उसमें से भी आपको एक चूज़ करनी पड़ेगा, तो भी कन्फ्लिक्ट हो गया। नेक्स्ट है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्लिक्ट स्टेट विद एन एडवांटेज एंड ए डिसएडवांटेज, मतलब एक का फ़ायदा एक का नुकसान है। जैसे कि आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, डिलीशियस है, बट उसकी वजह से मोटे हो जाओगे, तो ये है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। मतलब आपको कोई काम करना अच्छा लग रहा है पर उस काम के नुकसान भी दिखेंगे, तो ये अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट है। जैसे आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं बट अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो ये हो गया अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, ए चॉइस मस्ट बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव ईच ऑफ विच हैज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स। इसमें कई सारे अप्रोचेज हैं तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट का एक व्यू। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज, आपको कन्फ्लिक्ट कैसे कम कर सकते हो। पहली बात तो कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे तो कन्फ्लिक्ट कम होंगे, बातचीत अच्छे से होगी, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो कन्फ्लिक्ट कम होंगे। एक्टिव लिसनिंग होगी, क्लियरली बात करो डायरेक्टली अबाउट योर नीड्स एंड कंसर्न, क्या कहना चाहते हो डायरेक्टली कहो, चुपचाप रहकर उसे दबाओ मत। इंश्योर करो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन, ऐसा नहीं बस बात कह दी और काम खत्म, जो सामने वाले कह रहा है उसे भी सुनो और फिर उसे एकदम क्लियर कर क्लैरिफाई करो, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो कन्फ्लिक्ट कम होंगे। नेक्स्ट है नेगोशिएशन, इंगेज इन ओपन एंड रेस्पेक्टफुल डायलॉग, एम इज़ फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। देखो कन्फ्लिक्ट इस वजह से हो रहा है कि आपके ओपिनियन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो एक ऐसी तरह से एक उस पॉइंट पे पहुंच जाओ कि जहां दूसरे दोनों सहमत हो जाओ, थोड़ा सा नुकसान वो उठाएं थोड़ा सा नुकसान आप उठाओ, तो नेगोशिएशन कर लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां आप नेगोशिएट कर लोगे, तो नेगोशिएशन के थ्रू भी कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही रख ली जाती ना तो फिर वो पूरी नहीं होती, फिर होता कन्फ्लिक्ट, तो क्लियर कट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जैसे डिफाइंड रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, क्या गोल है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, तो कन्फ्लिक्ट फिर कम होंगे। क्रिएटिंग ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा, फोस्टरिंग एन एटमोसफियर ऑफ रेस्पेक्ट ट्रस्ट एंड कोलाबोरेशन, तो इससे भी कन्फ्लिक्ट कम होंगे। एंड डेवलपिंग एम्पैथी, दूसरे की फीलिंग को समझो, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नोलेजिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की फीलिंग को समझो तो भी कन्फ्लिक्ट कम होंगे। कॉम्प्रोमाइज, फोकस ऑन फाइंडिंग ए मिडल ग्राउंड दैट सेटिस्फाइज बोथ पार्टीज, कॉम्प्रोमाइज करना क्या, कॉम्प्रोमाइज करोगे थोड़ा सा तो ठीक ही रहेगा, कन्फ्लिक्ट कम होंगे। दूसरे की फीलिंग को समझो, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करो, क्योंकि यही कॉमन ग्राउंड है जहाँ पर कन्फ्लिक्ट कम किए जा सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ फेयर एंड बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जाए, हर कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। नेक्स्ट है सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, अब कन्फ्लिक्ट है तो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो आप, जैसे कि काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, तो ये भी एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी बातचीत अच्छे से हो जाए, कम्युनिकेशन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाए और एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अवॉइड हो जाए।